देखिए, अयोध्या का मुद्दा व्यापक आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, माननीय उच्चतम न्यायालय में है। देश की माननीय उच्चतम न्यायालय अयोध्या से जुड़े मुद्दे की सुनवाई कर रही है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, 132 करोड़ आबादी की आस्था का प्रतीक है। हम सबको धैर्य रखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि अवश्य इस समस्या का समाधान होगा। साधु संत बहुत नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार जिस तरह कह रहे हैं बीजेपी जो है हमसे वादे किए थे लेकिन वादे कहीं पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अयोध्या का आज विकास हो रहा है, अयोध्या एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में इसी दिन से संपन्न होने जा रहा है, बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे, अच्छी दिशा में आगे अयोध्या को देश और दुनिया के सामने रखने का आयोजन होगा। साउथ कोरिया अतिथि देश के रूप में इसमें भागीदार बन रहा है। राहुल जी को ये समझना चाहिए कि हिंदू हिंदू होता है, हिंदू न अच्छा होता है न बुरा होता है, हिंदू हिंदू होता है। मैं इसको राहुल गांधी की समझ को ही मुझे कभी कभी अफसोस होता है कि उसने कभी हिंदू को जाति के आधार पर बांटा है, कभी क्षेत्र के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, आज वो अच्छा और बुरे के आधार पर बांट रहे हैं। हिंदू तो हिंदू है और मुझे लगता है कि कम से कम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौथी पीढ़ी में राहुल गांधी अपने को हिंदू कह रहे हैं, इस देश के लिए एक अजूबा ज़रूर है। क्योंकि पंडित नेहरू ने तो अपने को एक्सीडेंटली हिंदू कहा था, तो राहुल गांधी ने अपने को हिंदू तो कहा और हिंदू होने के नाते कम से कम मंदिर तो जा रहा है। ये हमारी वास्तव में विजय है, हिंदुत्व के प्रति आस्थावान लोगों की ये सबसे बड़ी